अंदर लोटे बैठे हुए हैं तो उनकी आध्यानी के लिए मैं लोटे लेके आया हूँ संगे में। कुछ लोटे जो है अंदर बैठे हुए हैं, कुछ फॉर्म 47 वाले मैंने और कुछ जो है वो लोटे बने हुए हैं। इमरान खान को वापस निकालेंगे, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और इन लोटों को हम अंदर बैठने नहीं देंगे इंशाल्लाह। असेंबली में सारे लोटे हैं तो मैंने कहा मैं भी लोटे ले आऊँ। ये अंदर भी बहुत वन में भी लोटी बैठी हुई है तो मैंने कहा ये लोटी भी मैं ले आऊँ। कुछ लोटे जो है अंदर बैठे हुए, कुछ फॉर्म 47 वाले मैंने और कुछ जो है वो लोटे बने हुए हैं तो आज मैं ये लोटे जो है अंदर लेके जा रहा हूँ। जी आप किसके साथ हैं? शायद ये अंदर लोटे बैठे हुए तो उनकी आध्यानी के लिए मैं लोटे लेके आया हूँ असेंबली में। ठीक है, असेंबली में ये असेंबली की एंट्रेंस है। और आके इधर ऐवान में बैठ गए तो क्या हम इनको आराम से बैठने दें? हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, किसी सूरत अपना मैंडेट जो है हम इनको चोरी नहीं करने देंगे। हमारी हुकूमत है और इंशाल्लाह इमरान खान को वापस निकालेंगे, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और इन लोटों को हम अंदर बैठने नहीं देंगे इंशाल्लाह। देखें जी, ये शाही साहब हैं जो ये देखें जी, ये असेंबली के अंदर लोटे लेके ये जा रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं आप जी, किस चीज़ की रिवायत की आप बात कर रहे हैं? आधे से ज्यादा फॉर्म 47 के ऊपर जाली एमएनएस इधर बैठे हुए हैं। लेकिन फिर आपने हल्फ क्यों उठाया? फिर आप हल्फ ना उठाते? हल्फ हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्टेड, हमें 22 करोड़ आवाम ने हमें मैंडेट दिया, हमें वोट दिया है और ये जो है रातों रात सोए हुए थे, सुबह उठे एमएनएस बने हुए थे। तो मैं यहाँ दिहानी के लिए लोटे लेके आऊँ, जो लोटे ताकि कौम को पता चले कि इधर जो लोटे हैं, खान ने कहा था जब रिजीम चेंज में जो लोटे हुए थे। कहाँ से खरीदे आपने ये दुकान? ये आपने आप पारा मार्केट से खरीदे हैं जी? आप पारा मार्केट से खरीदे हैं जी? बस मार्केट को आप जोड़ आप देना चाहें लेकिन लोटे लोटे। ये शाहिद हटक साहब हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एम एन ए, आज लोटे लेके असेंबली में पहुंचे हैं। कहते हैं अंदर भी लोटे हैं और ये भी लोटे हैं। तो ये लोटे लेके यहाँ पहुँचे हैं असेंबली में। अब ये जा रहे हैं अंदर। ये इस टाइम मैं नेशनल असेंबली में मौजूद हूँ। ये देखें शाहिद अटक साहब लोटों को रगड़ते हुए सर लेके जा रहे हैं। उनको कसीटा था फॉर्म 47 के जरिए, ये इधर लेके आ गए लोटों को। अस्सलाम वालेकुम, ये शाहिद हटक हैं जो करक से एम एन ए मुंतब हो के पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से आज कौमी असम्बली पहुँचे हैं। सर हाथ में लोटे हैं, लोटे लाने की क्या वजह है? जी मैं कौम को याद दहानी के लिए लेके आया था। कुछ रिजीम चेंज के अंदर, कुछ रिजीम चेंज के बाद लोटे हो गए थे जिनको फॉर्म 47 के ज़रिए एक कागज़ के टुकड़े के ज़रिए उनको एम एन एस बनाया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने कौम को कौम की याद दहानी कराऊँ कि जी इधर जो लोटे बैठे हुए हैं हम भूलने नहीं देंगे उनको। हम उनके नाम भी आपको बताएंगे, उनका पता भी बताएंगे ताकि बार बार याद दहानी कराते रहेंगे कि जी ये वो लोटे हैं जिन्होंने मुश्किल में पार्टी का साथ छोड़ा, जिन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन में पार्टी के खिलाफ गए। तो कौन को हम याद दहानी कराते रहेंगे उन लोगों की? सर आप किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्म 45 या फॉर्म 47 वालों? जी देखिए, एक 47 वाले हैं जो मुस्लिम लीग नून में हैं, जिनको रातों रात सुबह दरवाजे पे दस्तक दी गई कि जी आप आए, आप एमएनए बन गए। हालांकि उनको खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि हम तो इलेक्शन हार चुके, हम तो चौथे पांचवें नंबर पे थे, कैसे हम एमएनए बन गए। तो एक वो है, लेकिन कुछ सर्टिफाइड लोटे हैं। मतलब लोटे का तो आप मतलब समझते हैं कि लोटा किसको बोलते हैं, कभी एक जमात तो कभी दूसरी जमात। तो कुछ ऐसे
लोटे हैं जिनकी याद दहानी जरूरी है, उनकी मैं इंशाल्लाह असेंबली में वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा ये लोग हैं, ये वो ओरिजिनल लोटे हैं। ठीक है। अच्छा, कल आपने एक तस्वीर लेकर आए थे इमरान खान की, जो आपने वजारत उज़्मा वाली जो कुर्सी होती है वज़ीर आज़म की कुर्सी वहाँ रखी, और आपने कहा कि ये कुर्सी मेरे वज़ीर आज़म की है। देखिए, तहरीक इंसाफ को पाकिस्तानी कौम ने मैंडेट दिया, 182 सीट जो है वो तहरीक इंसाफ जीत गई थी, हालांकि हमारा निशान हमसे लिया गया, हमें इंडिपेंडेंट खड़ा किया गया। 182 का जो मैंडेट है वो तहरीक इंसाफ का है। इधर 47 वाले जाली एवेनेज आके बैठ गए इस ईवान में, गैर लोग हैं, इस ईवान के साथ उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनको इधर बिठा दिया गया है। और वो जी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म इलेक्ट कराएंगे, जो खुद फॉर्म 47 से बन के आए। ईवान में मैंडेट कौम ने इमरान खान को वोट दिया था, कौम का वज़ीर आज़म जो है वो इमरान खान है, और इसलिए मैंने वहाँ पे तस्वीर रखी थी क्योंकि पूरे पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान को वोट दिया। ठीक है। अच्छा सर, ये चार लोटे, एक दो तीन चार, अंदर आप क्या समझते हैं, अंदर कितने हैं, चार लेके आए हैं? पहले मैं गिन तो लूँ, है तीन चार को तो मैंने देखा है, और मेरे ख्याल में 7-8 बैठे हुए हैं। 7-8 बैठे हुए हैं, तो आपको 7-8 नहीं थे लाने चाहिए? वो अंदर अलाउ नहीं करते, बड़ी मुश्किलों से लेके आया हूँ, तो सिर्फ ये सिम्बॉलिकली था ताकि मैं कौम को याद करा सकूँ कि इधर जी है असेंबली में लोटे बैठे।